Hello students, so welcome to my channel. Today I will tell you how to make a simple program in Java programming. And before starting that, मैं आपको कुछ important points बताना चाहती हूँ जावा में. देखो, जावा में हम जब भी कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है क्लास की. इसका मतलब ये कि एवरी प्रोग्राम नीड्स टू बिल्ड इन द क्लास. मत जावा में अगर आप कोई सा भी प्रोग्राम बना रहे हो तो वहाँ पे व्हाट वी नीड इज़ क्लास. ओके, सो नाउ हाउ टू क्रिएट अ क्लास. सिंटेक्स होता है क्लास क्रिएट करने का, यू विल हैव टू टाइप CLASS क्लास स्पेस क्लास नेम. क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल, मैंने क्लास का नाम दिया यहाँ पर हेलो. दैट्स इट, हमारी क्लास क्रिएट हो गई. अब देखो, अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ. आप सभी एक क्लासरूम में बैठते हो तो क्लासरूम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. हम एक एक जगह से एंटर होते हैं और एक जगह से हम एग्जिट भी हो सकते हैं. तो वैसे ही अगर हम इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लें तो यहाँ पर भी एक क्लास का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक क्या होगा, एंडिंग पॉइंट. सो टू स्टार्ट अ क्लास व्हाट वी आर डूइंग, वी विल ओपन अ कर्ली ब्रेसेस. And to end a class, we will close the curly braces. So we are done. This is how we create a class. Write class, then class name. Open the curly braces and close the curly braces. And then एक और चीज़, whenever you are giving name of your class, the first letter of your class name should comes in capital letter. That means आपके class का जो नाम होगा उस class के नाम का जो पहला letter हमेशा अपर केस में ही होगा. ठीक है, तो ये कुछ rules हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ. दूसरी चीज़ होती है, जावा जो होता है वो होता है केस सेंसिटिव. ओके, जावा जो होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव. मतलब ये कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रीडिफाइंड होते हैं. फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें कैपिटल लेटर में लेना ही होगा, कुछ स्मॉल में आएगा. तो जो जितनी भी हम क्लासेस यूज़ करेंगे जावा प्रोग्रामिंग में, उन सभी क्लासेस के नाम का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा किस में आता है, अपर केस में आता है. ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए. दूसरी बात, जावा के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल, मुझे कोई सा भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो वहाँ पे कुछ फंक्शंस हमारे पास इनबिल्ट कुछ लाइब्रेरी में होते हैं जिसको कि हम इनहेरिट करते हैं. तो उस टाइम पर अगर हम किसी क्लास को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्लास का नाम का जो पहला लेटर जाएगा वो किस में आएगा, कैपिटल. खैर, वो आगे की बात होगी, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि द क्लास नेम इन अ प्रोग्राम इन जावा प्रोग्रामिंग, द फर्स्ट लेटर ऑफ आर क्लास नेम शुड ऑलवेज कम इन द अपर केस. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज द मेन मेथड. ओके, नाउ वॉट इज मेन मेथड. मेन मेथड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक जिसके अंदर आपका जो मेन टास्क है वो आपको एग्जीक्यूट करवाना. देखो, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे टास्क होते हैं, है ना. तो वर्ड में हम हमारे लेटर को टाइप कर सकते हैं, हम उससे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब ये है कि हम उसमें बहुत सारी फंक्शंस हम उस क्लास के अंदर दे सकते हैं. मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो टास्क हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा. लेकिन एक फंक्शन एक ऐसा होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास है, क्लास में एक होगा मॉनिटर, वो मॉनिटर आप सबको जज करेगा. ठीक है, वैसे ही जावा प्रोग्रामिंग में एक मॉनिटर फंक्शन होता है जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जो टास्क आपको परफॉर्म करना है वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम करते हैं किस में, मेन फंक्शन में. मेन फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है. देखो, मेन फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, अब ये हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ओपन कर्ली ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस. इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग ARJS एंड हियर आई विल पास एन एरे. ओके, तो देखो ये होता है. मैंने आपसे क्या कहा, हमने क्लास को क्रिएट कर लिया. अब यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है. जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन की भी अपनी एक बॉडी होती है, और फंक्शन की बॉडी को हमने यहाँ पे ओपन किया और फंक्शन की बॉडी को हमने यहाँ पर क्या किया, क्लोज किया. तो दिस इज़ माई मेन फंक्शन. अगेन मैं बता रही हूँ,
जावा प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमें क्रिएट करना है क्लास, क्लास के बाद हम क्या डालेंगे, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को लिखने का तरीका ये होता है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS का मतलब क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे मेन फंक्शन का लिखने का तरीका होता है ये, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें कि स्ट्रिंग का एस क्या होता है, कैपिटल, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक क्लास होती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल एक मैसेज प्रिंट करना है, हेलो हाउ आर यू। तो किसी भी लेटर को या किसी भी लाइन को प्रिंट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, एंड देन जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो आप डबल कोट्स में लिखते हो, क्या लिखना है हमें, हेलो हाउ आर यू। ओके, ये सिस्टम, जब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सेमी कॉलन डालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसका फॉर्मेट थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ये पूरा विजिबल रहे। ओके क्लास सी देखो, तो फाइनली आई एम डन विथ माई प्रोग्राम, एज यू कैन सी नाउ आई हैव क्रिएटेड माई क्लास। देखो, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे है, इसे हमने ओपन किया, इसे हमने क्लोज किया, जो हमने मैसेज यहाँ प्रिंट करवाया है वो क्या है, हेलो हाउ आर यू। अगर आप यहाँ पर लिखते हो फॉर सपोज, अभी तो हमें आपको ये रन करके बताऊंगी, हेलो हाउ आर यू। ओके चलो मैं अभी बता देती हूँ आपको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, मेन जो है हमारा फंक्शन का नाम है, वॉइड उसका रिटर्न टाइप है, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि इस क्लास को रन करने के लिए हमें इस किसी भी ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। स्टैटिक जो होता है हमारी मेमोरी, स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो मेमोरी को हमारे सेव करता है। अब स्टैटिक का मैं देखो आगे चल के हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि हम स्टैटिक मेथड का प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि स्टैटिक मेथड का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट मेथड इफ दैट मेथड इज कॉल्ड स्टैटिक। पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन है पब्लिक है, मतलब ये एक्सेसिबल है, इस क्लास के बाहर अगर कोई भी क्लास इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहती है तो वो क्या है, तो मतलब ये है कि वो पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि अब ये फंक्शन हमेशा किसी भी क्लास के लिए अवेलेबल होगी। अब मैंने यहाँ पे किसी और क्लास का नाम लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जावा में वी विल यूज मल्टीपल क्लासेज ऑल्सो, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि दिस मैथड इज पब्लिक बिकॉज दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर प्रोग्राम। दैट मीन्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म योर टास्क, दैट टास्क विल गेट कॉल्ड बाय द मेन फंक्शन ओनली। ओके, सो नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड आई एम ओपनिंग द ब्लू जे। अगर आप चाहते हो कि ब्लू जे को इंस्टॉल कैसे करते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ब्लू जे को डाउनलोड और इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहिए। ब्लू जे भी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है, आप इसमें जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट करके रखा है, ठीक है, तो दिस इज़ माई प्रोग्राम नेम्ड एज हेलो वन। तो ये रहा मेरा प्रोग्राम। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप किया है, सो एज यू कैन सी पब्लिक क्लास, यहाँ पे मेरे क्लास का नाम है हेलो वन, ये मेरा मेन फंक्शन है, मैं प्रिंट करवा रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो हाउ आर यू। अब देखो जावा में क्या होता है, जो भी प्रोग्राम आप टाइप करते हो आपको उसे पहले कंपाइल करना होता है। कंपाइल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके प्रोग्राम में कहीं कोई एरर तो नहीं है ये हम पता करेंगे। साथ में कंपाइलर का डेफिनेशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये होता है, कंपाइलर कन्वर्ट्स दी हाई लेवल लैंग्वेज इनटू दी लो लेवल लैंग्वेज। ओके, अब ये भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, फिलहाल आई एम कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, सो लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम। एज यू कैन सी नो एरर्स, ओके क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर्स, आई एम क्लोजिंग दिस टेक्स्ट फाइल। नाउ आई हैव टू रन दिस, टू रन दिस प्रोग्राम आई विल राइट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड विल गो टू द वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन ओके। नाउ एज यू कैन सी हमने क्या प्रिंट करवाया था, वी आर प्रिंटिंग वॉट, हेलो हाउ आर यू, एंड दैट्स वॉट वी आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू।